हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गैन मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी गैन यूट्यूब चैनल पे तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो अरिहण के द्वारा पब्लिश की गई कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि दो तीन दिन से मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ यहाँ पर बेंगलोर पर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर चल रहा है तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है थोड़ी बैठ गई थी और थोड़ी नहीं बट कुछ ज़्यादा ही बैठ गई थी तो डॉक्टर वगैरह कुछ दिखा के एंड अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ तो सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि आपको भी डिले ना हो एस के एग्ज़ाम्स भी अभी बहुत करीब आ चुके हैं और कंप्यूटर अवेयरनेस वहाँ पे बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अरिहन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है दोस्तों जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द से जल्द मैं कवर करने की कोशिश करूँगा ओके तो चलिए शुरू करते हैं एंड uh, यहाँ पे मैं आपको राउंड ऑफ करके नहीं दिखा सकता दोस्तों क्योंकि ये जो पी है ये नॉन एडिटेबल में स्कैन हो चुका है बाई मिस्टेक बट मैं ट्राई करूँगा इन बिटवीन लेक्चर की मैं कुछ पेन वगैरह यूज़ कर सकूँ इसमें तो चलिए शुरू करते हैं एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को uh, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड uh, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे ज़रिए से जो अपडेट आते रहते हैं आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा तो लेट्स स्टार्ट पहले मैं आपको थोड़ा कंटेंट के बारे में इसका जो है देख लेते हैं पहला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर दोस्तों ठीक है उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एम ऑफिस विंडोज़ ओके कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ और प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे अब्रिवेस हो गया और ग्रॉसरीज हो गया दोस्तों ठीक है तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ओके है ग्यारह पेजेस का है चलिए जैसे देख लेते हैं मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ राइट देखिए पहली बात ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा भी गया था वन ऑफ दी स्टेट एग्जाम्स में कि ओल्ड कंप्यूटर जो है कहाँ से डिराइव करते हैं ये एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है दोस्तों जी हाँ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉमेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑब्वियसली इसको पावर की जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है एंड इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा ए कंप्यूटर इज़ यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स सेंड ई ई मेल्स ब्राउज द इंटरनेट ऑल्सो ठीक है इट इज ऑल्सो यूज़ टू हैंडल अकाउंटिंग डेटा बेस मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन गेम्स सो ऑन बहुत सारे एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं ओके चलिए फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस हो गया दोस्तों आउटपुट डिवाइस स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ये चारों में डिवाइड होता है इनपुट का मतलब क्या होता है जो चीज़ आप कंप्यूटर को दे रहे हैं जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है थ्रू सी उसे हम इनपुट कहते हैं प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ अगर आप अंदर यू नो इनपुट दे रहे हैं तो उसके बाद प्रोसेस होता है राइट उसको जो है अपने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है उसको उसके बाद प्रॉपर कैलकुलेशंस किए जाते हैं कंपेरिजन्स किए जाते हैं डिसीजन लिए जाते हैं फाइनली आपको एक आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले दिखता है उसे हम क्या कहते हैं मॉनिटर कहा जाता है ठीक है जो भी आप आ, इनपुट देंगे कंप्यूटर को प्रोसेस करके आपको मॉनिटर पे दिखाएगा दैट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड स्टोरेज की बात करें इट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इन्फॉमेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट ओके सो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हैं स्पीड की बात करें कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड दोस्तों जी हाँ एक्यूरेसी की बात करें कंप्यूटर्स प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दे रेस्पॉन्ड टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन एंड स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो कंप्यूटर्स आर केपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कितना भी चाहे अभी तो यू नो टीबी अभी हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज किए जा रहे हैं राइट आप स्टोर कर सकते हैं वर्सटैटी की बात करें तो कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए टाइम आप चाहे गाने सुन सकते हैं साथ ही साथ काम कर सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर चला सकते हैं गेम खेल सकते हैं मल्टीपल टाइम कर सकते मल्टीपल टास्क कर सकता है राइट right? ऑटोमेशन की बात करें वंस द इंस्ट्रक्शंस डू एनी वर्क टू गिवेंट टू द कंप्यूटर द कंप्यूटर डज़ इट वर्क ऑटोमेटिकली बाई इट्सल्फ ये तो सही बात है अगर आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाए कि मुझे भाई देखिए सपोज कैलकुलेशन करना है आपको कुछ अपने जो भी कैलकुलेशन ऑलरेडी फीड कर दे तो ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा वो हो। डिलीजेंस होता है कंप्यूटर कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी टाइटनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन राइट हम लोग जो है थोड़ा बहुत काम करते हैं टाइटनेस आ जाता है इसकी वजह से ह्यूमन एरर्स होते हैं दोस्तों बट कंप्यूटर में इसकी गुंजाइश ही नहीं है देर इज़ नो ह्यूमन एरर राइट सीक्रेसी की बात करें लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन रेड्यूस बाई क्रिएटिंग लॉग इन सिस्टम विथ पासपोर्ट प्रोटेक्शन रिलायबिलिटी हो गया दोस्तों कंप्यूटर्स आर मोर रिलायेबल ओके आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं कंप्यूटर कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता एरर की बहुत ही uh, कम है राइट right? प्लग एंड प्ले हो गया कंप्यूटर एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर ए न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट कोई भी चाहिए आपको अगर आ, कुछ पढ़ाना है तो प्लग कर लीजिएगा वो पेन होता है ना टैबलेट वो आप कर सकते हैं राइट पेन ड्राइव लगाइए डेटा ट्रांसफ़र कीजिए तरह तरह के आप इंस्ट्रूमेंट्स हो चुके हैं अभी प्लग एंड प्ले कर सकते हैं एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों ओके बिकॉज कंप्यूटर जो है एक दिन में बनाई हुई चीज़ नहीं है इसे कई सालें लग गए हैं कई सदियां लग गए हैं तब जाकर आज हम लोग आई थिंक फिफ्थ और सिक्स जनरेशन के कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो इन्वेंटर थी चाइना था पहले अबैकस इन्वेंशन था सिक्सटी में फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है दोस्तों ये हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंट द वंस टेंसन हंड्रेड एक्सेट्रा ये एडिशन अप्रैक्शन ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता था कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स भी परफॉर्म किए जाते थे दोस्तों नेफियर बोन्स हो गया 1617 का जॉन नैफियर जी ने इसको इन्वेंट किया था ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है

परफॉर्म एडिशन अप्रैक्शन ऑफ टू मेंबर्स नंबर्स का करता था उसके बाद जैकवर्ड लूम आया एटीन नॉट वन उन्होंने इन्वेंट किया राइट right? ये आपको सिल्क बेस्ड पैटर्न मेनली किया जाता था यूज पंच कार्ड फॉर द सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइज दोस्तों उसके बाद एनिटिकल इंजिन एटीन में लाया गया था चार्लिस बैबेज बाद, के द्वारा फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर है इट वॉज डेसिमल मिशन एंड यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर उसके बाद टेबुलिटिंग मशीन आई दोस्तों हरमन हॉलिथ ने लिया था इसको मतलब इन्वेंट किया था इट इज यूज पंच कार्ड विथ राउंड होल्स रीड वन कार्ड एट ए टाइम और ये एक पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है जो डिजाइन किया गया था दोस्तों सेंसस के लिए यूज किया जाता था उसके बाद मार्क वन आया 1944 में हार्वर्ड आइकिन के कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर स्विचेस एंड कंट्रोल सर्क्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे मेनली यूज इन द वॉर फ्रंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर उसके बाद इन एक आया नाइनटीन फोर्टी सिक्स में जेपी एकेट एंड जे डब्ल्यू माओची इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्वेंटी एक्ूबिलटर्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर से कहा जा रहा है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ईनियक दोस्तों यूज फॉर वेदर प्रोडिक्शन अटोमिक एनर्जी एक्सेट्रा उसके बाद आता है एडसैक नाइनटीन फोर्टी का ओके जॉन वॉन इन्वेंट किया था इट वॉज अ फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड केपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन मेमोरी उसके बाद आया यूनिवैक जो कि जे प्रेस्पर और जॉन मैकोले ने इन्वेंट किया था और पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसको कहा गया था दोस्तों उसके बाद आया आई सीरीज ठीक है यहाँ से जो है आई ने पूरी चेंज ही कर दिया आई पी कंप्यूटर नाइनटीन इन्होंने इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर्स टू डिजिटल डेसिमल कोड सारा कुछ किया इसमें आप पेरोल कर सकते हैं ऑयल रिफाइनरी डिजाइन मार्केट रिसर्च एनालिसिस बहुत ही एडवांस उस जमाने का बहुत ही एडवांस कंप्यूटर इन्होंने डिज़ाइन किया था एंड अभी बात करते हैं जनरेशनस ऑफ कंप्यूटर की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पहला जनरेशन हुआ था 1940 से लेकर 56 सिक्स तक देखिए okay, 16 साल तक चला स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब्स थे इसमें स्टोरेज जो डिवाइस स्पीड थी 333 माइक्रोन पर सेकंड थी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें और फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इट नॉन पोर्टेबल मतलब आपने देखा होगा आ, जो इमेजेस हैं अगर पॉसिबल मैं इमेजेस भी यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा फर्स्ट जनरेशन के कि किस तरह से आ, जो है इसके उस टाइम पे ज़माने में एक एक रूम होता था तो सारे यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस इनियाक यूनिवाक मार्क वन एक्सेट्रा सेकेंड जनरेशन की बात करें ट्रांसिस्टर से बना हुआ था मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थे राइट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो टाइम शेयरिंग मल्टीटास्क मोर रिलायबल एंड लेस प्रो टू हार्डवेयर फेल्यूर्स पोर्टेबल एंड जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट था और ये ज़्यादातर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता था थर्ड जनरेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स ये आपको मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी स्टोरेज यूज़ करते थे रियल टाइम स्टोरेज रियल टाइम सिस्टम हो गया कि कंज्यूम लेस पावर हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड और डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया एग्जाम्पल एनसीआर थ्री नाइन्टी फाइव बी सिक्स फाइव हंड्रेड ये सारा कुछ अपीलिकेशन्स थे उसके।, उसके उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर यूज़ किया जाता था ओके है सेमी कंडक्टर मेमोरी थी दोस्तों इसमें और टाइम शेयरिंग जी ओ आई इंटरफेस पासकल कोबॉल फोटॉन ये सारा कुछ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था यूज किया जा रहा था मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल है दोस्तों जो जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसे कि इंटेल चिप अभी तो इंटेल बहुत आगे निकल चुका है बहुत सारे चिप्स आ चुके हैं उसके बाद बात करें फिफ्थ जनरेशन ये सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स था ऑप्टिकल डिस्क था इसमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा था और जो आज ही ये यूज़ किया जाता है उससे आगे भी यूज़ किया जाएगा एंड इंटरकोड प्रोसेसर राइट एनेबल्स मेगा चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स सारा कुछ यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में इंक्लूड किया गया है तो आपको एग्ज़ाम में जो है ऐसा पूछ सकते हैं इसके ईयर के रिलेटेड पूछ सकते हैं राइट right? और इसके जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो पूछा जा सकता है बस इन्हीं दो में से मैंने आज तक क्वेश्चंस देखे बट इट्स बेटर कि आप थोड़ा बहुत uh, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस का भी आइडिया रख लीजिए उसके बाद टिट बिट्स की बात करें जो आई थिंक बोलते हैं ना उसको समरी uh, के तौर पे या फिर इम्पॉटेंट लाइंस uh, पे वन लाइनर समझ लीजिए सो सिद्धार्थाथाथाथाथा वॉज अ फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया एलैंड ट्यूरिंग इज नोन एज़ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट जॉन वॉन न्यूमैन मैन वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इन द ईयर नाइनटीन

दूसरा वर्क के हिसाब से तीसरा पर्पस के हिसाब से इफ़ यू टॉक अबाउट द साइज इट इज़ माइक्रो कंप्यूटर मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर इफ़ यू टॉक अबाउट वर्क तो मतलब कौन सा अच्छा स्पीड है काम करता है एनोलॉग कंप्यूटर्स हो गए डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो गए दोस्तों इफ़ यू टॉक अबाउट पर्पस कि आपको जो नॉर्मल यूज़ के लिए करना है या किसी कंपनी के लिए स्पेशली डिजाइन करके देना है दो होते हैं जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस चलिए वन बाय वन सारे में आपको uh, एक गो अराउंड कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करें दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर लीस्ट पावरफुल ठीक येट द मोस्ट वाइडली यूज और ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स ओके है जहां आप देख रहे होंगे लैपटॉप्स हो गया डेस्कटॉप्स हो गया ये सारे कुछ पोर्टेबल कंप्यूटर्स के कैटेगरी के अंदर ही आते हैं पहला हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर दे आर स्मॉल रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स दे आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी ठीक है वही लैपटॉप्स की बात करें ये और भी छोटे होते हैं अल्ट्रा बुक नोट अभी तो न जाने लेने वो ने क्या क्या निकाल दिया राइट right? योगा बोल के बहुत सारे ऐसे जो लाइ एकदम लाइट वेट एकदम थिन होते हैं दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी सो दैट दे कैन वर्क एनी वेयर राइट एंड उसके बाद हैंड हेल्ड और पाम टॉप की बात करें कंप्यूटर दिस आर स्मॉलेस्ट एंड डिज़ाइन टू फिट इन द पाम सो दिस आर ऑल्सो नोन एस पाम टॉप दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टन फंक्शन सच एज फोन बुक्स कैलेंडर दे यूज़ द पेन फॉर इनपुट जैसे कि डिजिटल पर्सनल डिजिटल यूज किया जाता है उसके बाद आया हमारा टैबलेट कंप्यूटर यहाँ पे जो है कई तरह के फीचर्स होते हैं ओके uh, टैबलेट कंप्यूटर आपने देखा होगा बट दे कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम पेन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस टैबलेट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे एप्पल के सैमसंग के वो भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है वर्क स्टेशन कंप्यूटर दिस आर कंप्यूटर्स डेडिकेटेड टू यूजर ग्रुप इन बिजनेस और प्रोफेशनल वर्क इट इंक्लूड्स वन और मोर हाई रेजोल्यूशन एंड यहाँ पे आपको फास्टर प्रोसेसर यूज़ किया जाता है क्योंकि वर्क स्टेशन का ना तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा का हमको सारा कुछ उसके बाद तो मिनी कंप्यूटर की बात करें ये बहुत ही स्मॉलर इन साइज होते हैं बट दे आर फास्टर एंड कॉस्ट लोअर दोस्तों इनिशियली माइक मिनी कंप्यूटर वॉज डिजाइन तो टू कैरी आउट तो स्पेसिफिक टास्क क्या क्या सी ए डी बोल के ज्यादातर आपको मैकेनिकल स्टूडेंट्स या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं कैट जिसे कहा जाता है अभी जो सेंट्रल कंप्यूटर की तरह भी इसको यूज़ कर रहे हैं राइट मेन फ्रेम कंप्यूटर दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर हैव लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर ओके मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वैस बैकबोन फॉर एंटायर बिजनेस होल्ड दोस्तों जैसे कि आई बी एम थ्री सेवेंटी आई बी एम थ्री नाइन्टी यूनिवैक ये सारा कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर अभी आपने बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा कि इस कंट्री का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर ये बना है वो फास्टेस्ट है ये है बोल के राइट सो दिस आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स इनके पास ना हाई प्रोसेसिंग स्पीड के होते हैं दोस्तों प्रोसेसर्स इनके When compared to other or uh, both large in size and memory compared to all other good. Okay. The speed of supercomputers are measured in flops. This is also very very important. Flop ka floating point operation per second. Okay, what is flop? Floating point operation per second. This is very very important. I am repeating it. Floating point operation per second. Okay. supercomputers are used for highly calculation intensive tasks such as weather forecasting, nuclear research. मिलिट्री एजेंसी एंड साइंटिफिक रिसर्च जैसे कि क्रे वन द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया था 1976 में परम हो गया दोस्तों जो इंडिया में डेवलप हुआ था 1990 में और परम ईशान जो कि सी डैक ने बनाया था ए गुवाहाटी में दो में ठीक है अभी जो लेटेस्ट है वो कौन सा सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट है ये मैंने आपको जो हमारे करंट अफेयर्स है ना वन लाइनर उसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्पीडी करंट अफेयर्स के टाइम पे ठीक है बट यू कैन गूगल इट बट इट इज़ नॉट ए बिग टास्क कहाँ आप उतना पूरा वीडियो देखेंगे मतलब वो क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया आपको टाइम लग जाएगा बट यू कैन जस्ट गूगल इट और याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम के टाइम पे भी आपको बहुत ही कम टाइम मिल रहा है अभी सो बेस्ड ऑन वर्क की बात करें तो पहला अनोलॉक कंप्यूटर दिस कंप्यूटर कैरी आउट अर्थमैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिमुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा स्पीडोमीटर सिस्मोग्राफ्स डिजिटल कंप्यूटर दे डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग बाइनरी डिजिट्स दे नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन बट ऑल्सो कंबाइंस द बाइट टू प्रोड्यूस डिजाइन ग्राफिक साउंड दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर दिस आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर मशीन यूज इन हॉस्पिटल लाइक ई सी जी एंड डायलिसिस और कॉमन यूज हाइब्रिड कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन परपजस की बात करें ऑन द बेसिक ऑफ परपज कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज एज जनरल परपज दोस्तों जो कि रोजाना के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है लाइक टू मेक स्मॉल डेटा बेस कैल्कुलेशन अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर की बात करें दे आर डेडिकेटेड टू समाइप ऑफ प्रॉब्लम जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग या फिर कोई मल्टी मीडिया कंप्यूटर है ओके okay, या फिर किसी एडिटिंग के लिए बनाया गया हो सिर्फ कंप्यूटर या फिर किसी कंपनी का सिर्फ अटेंडेंस एक्सेस करने के लिए बनाया गया हो तो सारा कुछ स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होता है जैसे क्वांटम कंप्यूटर हो गया पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था रिचर्ड फेमन के द्वारा इट इज़ अस क्वांटम मैकेनिकल फेमो फेनोमिनाल दोस्तों नैनो कंप्यूटर हो गया ओके विच इज़ स्मॉलर दैन माइक्रो कंप्यूटर यूजली अबाउट द साइज एंड क्रेडिट कार्ड उसका प्रत्युष हो गया दोस्तों इंडिया का फास्टेस्ट फर्स्ट मल्टी पेट सुपर कंप्यूटर कहते हैं इसको ओके तो uh, है एंड प्रत्युषाह सिक्स पॉइंट एट पेट ऑफ कंप्यूटेशन पॉवर इंस्टॉल्ड एट टू एम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कहते हैं इंस्टीट्यूट वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया था ठीक है बस नाम याद रख लीजिए डेफिनेशन याद कर लीजिए देखिए ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ ये जो बुक है कंप्यूटर की नॉलेज जो है इसको आप रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ठीक है या ऐसा ही डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा आपके दिमाग को ना थोड़ा काम लगाइए अंडरस्टैंडिंग में जाइए हाँ भाई क्वांटम का मतलब क्या है कि इसमें कुछ क्वांटम मैकेनिकल फिनला यूज़ किया गया fastest computer है फास्टेस्ट कंप्यूटर है ओके एंड प्रत्यूश इज़ नथिंग बट इट्स इंडिया का पहला फर्स्ट मल्टी पेट ऑफ फ्लॉप वाट इज़ पेट फ्लॉप मैंने आप फ्लॉप के बारे में मैंने बता दिया आपको राइट right? बस समझते हुए जाइएगा ओके डोंट टेक टेंशन सिंपल से आपका कंप्यूटर निकल जाएगा ओके okay? <coughs> एक मिनट दीजिए थोड़ा गला बैठा जा रहा है मैं पानी पीता हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर बहुत सारे एप्लीकेशंस है दोस्तों सिर्फ अप्लीकेशनस पर ही मैं दो तीन घंटे का लेक्चर बना सकता हूँ उतने सारे बट हमको सिर्फ आइडिया लेना है ना तो पहला यहाँ पर बैंकिंग कंप्यूटर्स हो गए यूज इन ब्लैंक फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर मेकिंग डिपॉजिट बैंक शीट एक्सेट्रा बैंकिंग में अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही यूजफुल टूल है अब तो कोविड के बाद कंप्यूटर हो लैपटॉप हो फ़ोन हो सारा कुछ जो है डिजिटल लर्निंग हो गया है टीचिंग के लिए लर्निंग के लिए सब कुछ यूज़ किया जाता है इंटरटेनमेंट दोस्तों मल्टी मीडिया फिल्म मेकिंग विद एनिमेशन ग्राफिक्स एडिटिंग कर सकते हैं आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं ऑफिस के लिए देखिए एम ऑफिस एम एस सारा कुछ होता है ना जो ऑफिस में यूज़ करते हैं वर्क प्लेसेस में डेटा को स्टोर करो डिलीट करो अपडेट करो ये सारा कुछ कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आप बिजनेस एडवर्टाइजमेंट फिल्म एडवर्टाइजमेंट एवरीथिंग ओके एंड कंप्यूटर आर यूज इन बिजनेस फॉर अकाउंटिंग कीप अप ऑल द रिकॉर्ड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है इज एन एरा ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट विद द ह्यूमन्स दोस्तों तो दोनों को क्लब कर दिया गया है यहाँ पे किस तरह से हम कंप्यूटर्स को यूज करते हुए ह्यूमन इंटरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस दैट डील्स विद डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट एज वेल एज कंप्यूटर सिस्टम फर्दर कंट्रोल सेंसोरी फीडबैक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ठीक है चलिए अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन बैंक में दोस्तों चलिए जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है अभी उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंट uh, हो जाए कि हम लोग कितने uh, जो है कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं और क्या क्या है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं तो पहला क्वेश्चन है द वोट कंप्यूटर हजबेंड डिराइव फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज पहली पहली लाइन मैं इस तरह से शुरू किया था लेक्चर मेरा लैटिन लैंग्वेज दोस्तों ऑप्शन फोर इज़ द राइट आंसर इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम इसको कहा जाता है नॉट ओनली इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस सब कुछ जितने भी है इंक्लूड होता है इसमें सी वगैरह सारा कुछ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ़ द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर पहले इनपुट आया उसका प्रोसेसिंग होता है उसका आउटपुट होता है उसका स्टोरेज फोर्थ कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इन टू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग कहते हैं दोस्तों ओके कंप्यूटर के नॉट परफॉर्म क्या नहीं परफॉर्म कर सकता ओके तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थिंकिंग दोस्तों कंप्यूटर के नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एडिशन कर सकता है सब्स्रैक्शन कर सकता है डिविजन कर सकता है बट केक कैसा बना सकता है ओके ऑप्शन थ्री पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ क्या है ऑप्शन थ्री दैट इज प्रोसेसिंग बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें दट इज वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस आइटम इस डेटा कहते हैं एंड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विच अमोंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एंड स्टोरेज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो डेटा हो गया Dash is a data that has been organized and presented in meaningful uh, fashion to option 4 information. Data or information used to run the computer is called. That is option 5, none of this. Okay. The steps and tasks needed to process data, such as responses to question or clicking an icon or call that is option A instructions. The earliest calculating device that is abacus.

एनिटिकल इंजिन डेवलप बाई दट इज ऑप्शन टू चार्लस बैबि एनेटिकल इंजिन डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज एज मेमोरी यूनिट तो इसका जो सही जवाब है दट इज ऑप्शन फोर हो गया दोस्तों काउंटर व्हील्स टैबलेटिंग मशीन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमेकेनिकल मशीन्स डेवेलप बाई दैट इज ऑप्शन वन हेरमन हॉलरित हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन याक मैंने तभी बोला था आपको कि इंपॉर्टेंट है तो करेक्ट आंसर प्रेस एंड जॉन डब्ल्यू मैकॉली नेक्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज की बात करें तो इसका जो सही जवाब है सो कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन दैट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स मैंने बोला था ना आपको कि किस के पर बेसिस हैं इसके स्टोरिंग डिवाइसेस भी आप याद रख लीजिए कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉस कौन सा था दोस्तों उससे पहले जो बनाए गए थे वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल के थे दोस्तों राइट ऑप्शन टू इज द राइट आंसर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज दैट इज मशीन लैंग्वेज द स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन कौन से स्पीड पे रन हो रहा था दैट इज ऑप्शन फोर माइक्रोसेकेंड्स में The period of second generation computer was that is option 3 so 1956 to 63. Time sharing became possible in the generation of which computers? In the second generation. Integrated chips ICs were started to use from which generation of computers? That is option 3 so third generation. Chip is a common nickname for that is option 3 integrated circuit. The third generation computers were made with. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स आर चिप्स यूज इन द कंप्यूटर्स आर अप विथ किससे इसको बनाया जाता है एक्चुअली ये आपको सिलिकॉन से बनाया जाता है दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई बी एस आई पी पी एस में भी पूछा गया था ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांसिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेट्स ऑन स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड दैट इज ऑप्शन फॉर इंटीग्रेटेड सर्क्यूट ठीक है नेक्स्ट क्स्ट पीसीआर कंसिडर फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन दैट इज ऑप्शन फॉर माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ओके नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया ये मैंने आपको पूछा था कौन सा था ये कौन बताएंगे आंसर हमने टिट पिट्स पे पढ़ा था किसी को याद है हमने जो पढ़ा था फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज सिद्धार्था ओके कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाई जॉन वॉन न्यूमैन दोस्तों हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप की बात करें तो ऑप्शन थ्री हो गया ओनली पैरल एंड ओनली सॉरी वन हु हुप इंटीग्रेटेड चिप राइट तो दैट इज भी एंड इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड दैट इज ओनली पैरल एंड ओनली सिक्वेंशल यानी बोथ वन एंड टू इज अ राइट आंसर माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल कॉम्पोनेट तो फिजिकल कॉम्पोनेट क्या क्या हैं एक तो सिस्टम यूनिट होता है इनपुट होता है आउटपुट होता है और मेमोरी होता है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ द टर्म पी सी का जो लव्ज है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन का जो टर्म है वो आपको पहचाना है तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन टू सो पी सी कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज पर्सनल कंप्यूटर ओके चलिए सो टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ क्या है दोस्तों ये ये आपको एक माइक्रो कंप्यूटर है ठीक है कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट यूज फॉर यूजर्स हु ट्रैवल आर नोन एज दैट इज ऑप्शन फोर हो गया लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं इसको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं दोस्तों ठीक है एंड विच ऑफ दूस एज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दट इज ऑप्शन फाइव हो गया ए पी डी एलिए नेक्स्ट अभी हम आ चुके पॉम्पटॉप के बारे में हमने पढ़ा चलिए पॉम्पटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं इसको दट इज हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं ठीक है सेंट्रल कंप्यूटर दट होल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसीस वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इसे क्या है दैट इज ऑप्शन फोर हो गया दैट इज सर्वर कहा जाता है ओके सो विच कंप्यूटर यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन मैंने बताया था कैड जब पढ़ाते वक्त ना इंजीनियर्स लोग यूज करते हैं बोल के तो कौन सा है वो मिनी कंप्यूटर है दोस्तों ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली क्या कॉस्टली होता है दैट इज ऑप्शन फाइव मेन फ्रेम कंप्यूटर्स द यूजर जनरली अप्लाई डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स क्या अप्लाई करते हैं नोड अप्लाई करते हैं दोस्तों एंड दिस आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली दैट इज ऑप्शन टू हो गया सुपर कंप्यूटर्स ये डैश इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस अप्लीकेशन तो सुपर कंप्यूटर हो गया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया क्या है परम है दोस्तों यहाँ ऑप्शन वन प्रत्युष इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कौन से नंबर पे आता है ये आपको बोलना है फोर्थ पे आता है दोस्तों प्रत्युष कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर किसके लिए डेडिकेट किया गया है तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन टू प्रत्यूष एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों एंड दिस कंप्यूटर वर्क बाई कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स इसे हम क्या कहते हैं दट इज ऑप्शन टू डिजिटल कहा जाता है चूज द ऑर्ड वन आउट दैट इज ऑप्शन फोर हो गया डिजिटल कंप्यूटर रख लीजिए सॉरी ये हाइब्रिड कंप्यूटर इजन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ दैट इज ऑप्शन थ्री एनोलॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज इन द हॉस्पिटल लाइक ई सी जी एंड डायलिसिस की बात करें तो ऑप्शन टू हो गया दोस्तों हाइब्रिड ठीक है एंड जनरल पर्पज़ कंप्यूटर आर यूज फॉर दैट इज़ ऑप्शन ए ऑल द फॉर मतलब डेटा बनाने के लिए कैल्कुलेशन के लिए अकाउंटिंग के लिए सबके लिए यूज़ किया जाता है एंड विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर की बात करें तो ऑप्शन टू हो गया वर्ड प्रोसेसर ठीक है चलिए विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग मैंने बताया था आपको स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होता है वो जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स हो गया एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे फॉलोइ स्मोलेट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग द ब्रेन वर्क दट इज क्या होता है सुपर कंप्यूटर होता है या क्वांटम होता है कौन सा होता है okay, ये भी आपको बताया था क्लियरली कौन सा होता है ऑप्शन बी दैट इज ऑप्शन टू क्वांटम कंप्यूटर होता है इन विच ऑफ दंप्यूटर में एजुकेशन में ऑफिस में यूज किया जाता है इट इज साइंस दैट अटेम टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू उसे क्या कहते हैं इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं दोस्तों ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स की बात करें तो इट इज़ रोबोटिक्स ओके तो हमने अभी सक्सेसफुली इसका टॉपिक वन जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स था वो हमने कम्प्लीट कर लिया है दोस्तों आगे मैं लेक्चर इसका जो बनाऊँगा उसके सेकेंड टॉपिक जो है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी बुक है जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर सेवेंटी टू एटी क्वेश्चन आपको दिए गए प्रैक्टिस करने के लिए तो लेक्चर को बार बार देखिएगा आप ओके ताकि आपके बेसिक्स भी स्ट्रांग हो जाए और ये जो क्वेश्चन है आप बगैर देखे भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप आंसर्स भी इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओके तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक आप पार्ट वन देखिएगा उसके बाद हम पार्ट टू भी इसके ऊपर बनाएंगे ओके थैंक यू सो मच टेक केयर स्टे सेफ और स्टे वॉर्म बहुत ही यू नो कोल्ड वेदर है बाहर अपने आप को गर्म रखिएगा अपनी सेहत बनाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं तो एग्जाम से पहले हमारी सेहत ख़राब नहीं होनी चाहिए ओके तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद